सीएम बनने के करीब 43 दिन बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने गृह नगर जोधपुर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने भी एयरपोर्ट पर सीएम का जोरदार स्वागत किया, लेकिन एयरपोर्ट पर स्वागत के दौरान जो तस्वीरें दिखी वो जरा हटकर है। चलिए पहले आपको उन तस्वीरों से रूबरू कराते हैं। अब तीनों तस्वीरों के बारे में हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। पहली तस्वीर है सरदारपुरा से विधायक अशोक गहलोत, जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। दूसरी तस्वीर में है ओसियां विधायक दिव्या मदेरणा। तीसरी तस्वीर में लूणी से विधायक महिपाल बिश्नोई। फिलहाल तीनों ही जोधपुर जिले की अलग अलग सीटों से विधानसभा पहुंचे हैं और तीनों ही कांग्रेस के टिकट पर जीते हैं। खैर, ये सब जाने भी देते हैं, फिलहाल तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं और पहली बार जोधपुर पहुंचे हैं। लेकिन गहलोत की ये दोनों विधायक किस तरह से अपने सीएम से दूरी बनाए खड़े हैं, इस पर भी जरा गौर कीजिएगा। दरअसल दिव्या मदेरणा और महिपाल बिश्नोई के पिता, जो कि भवरी देवी हत्याकांड के मामले में जेल में हैं, गहलोत की ही पिछली सरकार में मंत्री और विधायक हुआ करते थे। और तो और 1988 में जब पहली बार अशोक गहलोत सीएम बने, तो उस वक्त सीएम के पद पर प्रबल दावेदार थे दिव्या के बाबा और महिपाल मदेरणा के पिता परसराम मदेरणा। अब उन्हीं के बेटा बेटी अशोक गहलोत की सरकार में एक बार फिर विधायक बने हैं। लगता है दोनों को ही अपने पिता के जेल में जाने का ज्यादा दुख उस समय भी सीएम रहे गहलोत के फैसले से है, क्योंकि गहलोत ने मंत्री पद के इस्तीफे के साथ ही कांग्रेस ने निलंबन भी करवा दिया था। दोनों विधायक तो बन गए, लेकिन अशोक गहलोत के नजदीक कब आते हैं ये तो वक्त ही बताएगा।